शाहरुख खान के कैरियर की 5 सबसे अच्छी फिल्म, देखे पूरी लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो टॉप 5 बेस्ट मूवी ऑफ शाहरुख खान, जिसमें हम शाहरुख खान के बॉलीवुड कैरियर की 5 सफल फिल्मों, हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ शाहरुख खान के बारे में जानेंगे, जो दर्शकों को खूब पसंद आई, पर्दे पर हिट साबित हुई। इन सभी 5 फिल्मों से संबंधित और भी रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे, बस आप पूरे वीडियो में बने रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हो चुकी है और शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर कई रिकॉर्ड बना रही है। यह शाहरुख खान की जीरो फिल्म के बाद रिलीज होने वाली फिल्म है। अभी तक कमाई को देखते हुए यह फिल्म शाहरुख खान के सफल फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी फिल्म शाहरुख खान की सफल फिल्में हैं, इस पूरे आर्टिकल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 5 बाजीगर। यह बॉलीवुड की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे अब्बास मस्तान के निर्देशन में 12 नवंबर 1993 में रिलीज किया गया था। यह फिल्म पहले अनिल कपूर और सलमान खान को ऑफर की गई थी, उनके मना करने के बाद यह फिल्म शाहरुख खान ने की। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और शिल्पा शेट्टी भी थी। यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी तथा IMDb ने फिल्म को शानदार 7.6 की रेटिंग दी थी। 4 वीर जारा। यह बॉलीवुड की एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है, जिसे नवंबर 2004 में रिलीज किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान को पाकिस्तान की एक लड़की जारा से मोहब्बत हो जाता है और उस मोहब्बत का अंजाम फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी हैं। IMDb द्वारा फिल्म को 7.8 की शानदार रेटिंग दी गई थी। 3 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया और आज भी जब फिल्म टीवी पर आती है तो लोग पहले की तरह ही फिल्म को देखते हैं। इस फिल्म की कहानी, सीन, गाने और सबसे अधिक राज और सिमरन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया। फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी और अनुपम खेर दिखे थे। फिल्म का डायरेक्शन आदित्य चोपड़ा ने किया था, तो वही IMDb द्वारा फिल्म को 10 में से 8 की शानदार रेटिंग दी गई थी। 2 स्वदेश। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की लगान फिल्म के बाद यह एक और बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म को दिसंबर 2004 में रिलीज किया गया था, जिसमें शाहरुख ने NRI की भूमिका निभाया है, जो अपने देश से अटूट प्रेम करता है। शाहरुख खान के बॉलीवुड कैरियर की यह हाईएस्ट रेटेड फिल्म है, जिसे IMDb ने 8.2 की बहुत ही जबरदस्त रेटिंग दी थी। 1 डर। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह एक थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म थी, जिसे 24 दिसंबर 1993 में रिलीज किया गया था। फिल्म में एक जिद्दी और जुनूनी आशिक का किरदार शाहरुख खान ने निभाया है। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड के आइकॉनिक स्टार सनी देओल और जूही चावला भी हैं।